नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल का कंटेंट लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सीए बिना बैलेंस शीट पे साइन किए या बिना किसी प्रोप्राइटर, डायरेक्टर या पार्टनर के साइन किए बैलेंस शीट को अपलोड कर सकता है टैक्स ऑडिट में या आरओसी की साइट पे अपलोड कर सकते हैं जब कंपनी की आरओसी की फाइलिंग होती है, क्या ये बिना साइन के हो सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल का कंटेंट। चलिए समझेंगे इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों देखो, यह है ऑडिटेड बैलेंस शीट, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स है, यहाँ पे यूडी नंबर भी जनरेटेड है, लेकिन ये बिना साइन किए हुए अपलोड है। यहाँ पे साइन के जगह पे एसडी लगाया हुआ है, एसडी का यूज करके आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है। एसडी का मतलब क्या है? यहाँ पे एसडी का मतलब होता है कि मैंने अपनी अप्रूवल दे दी है, मैंने अपनी सहमति दे दी, मेरे साइड से ओके है, इस पे मैं अपने फिजिकली सिग्नेचर बाद में कर दूंगा और ये ओके है मेरे साइड से, मैं इसके ऊपर फिजिकली साइन बाद में करूंगा, ठीक है। तो एसडी लगा के आप बैलेंस शीट को अपलोड कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपलोड कर सकते हो। ये एसडी एक वैलिड ऑप्शन होता है, इसे गवर्नमेंट भी ठुकरा नहीं सकती। मैं आपको गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखो ये है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जो कि सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इशू किया है। ये लोग भी जब भी अपने नोटिफिकेशन को इशू करते हैं तो बिना फिजिकल साइन के इशू कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने भी एसडी लगाया है और एसडी का यूज़ करके इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया है और इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। यहाँ पे एसडी ये स्टैंड करता है कि मैंने अप्रूवल दे दी है, मेरी सहमति है और मैं इस पर फिजिकली साइन बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो बिना साइन किए बैलेंस शीट सीए यहाँ पे अपलोड कर सकता है, वो अपने साइन भी नहीं करता, उसके जगह पे एसडी लगाता है तो भी कर सकता है, अगर प्रोपराइटर के नहीं होते तो भी कर सकता है, मतलब दोनों की अगर नहीं है, सीए की भी नहीं है और प्रोपराइटर का भी नहीं है तो भी वो अपलोड कर सकता है, या फिर किसी एक का है और किसी एक का एसडी है तो भी कर सकता है, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे डायरेक्टर हो, किसी की भी बैलेंस शीट हो, कंपनी की बैलेंस शीट भी है तो उस केस में भी एसडी का यूज़ करके अपलोड किया जा सकता है। ये जनरली उस तरह के केसेस में होता है जब अवेलेबल ना हो डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, ठीक है, या पार्टनर, तो उस केस में क्या करते हैं, एसडी लगा के कर देते हैं। जनरली जब भी ड्यू डेट आती है तो प्रेशर बढ़ हो जाता है काम का फिर, क्योंकि अगर बैलेंस शीट एक बार गई तो साइन होके आएगी, फिर उसके बाद सीए साइन करेगा, फिर अपलोड करेगा, तो उस केस में टाइम ज़्यादा लग जाता है और ड्यू डेट्स होती है तो हमें टाइमली कंप्लाइंसेस को कंप्लीट करना होता है। इसीलिए एसडी का यूज़ करके यहाँ पे बैलेंस शीट या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल किया जा सकता है। एसडी का मतलब होता है कि प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है, बस इस पर फिजिकली साइन होना बाकी है। तो आई होप दोस्तों जो मन में डाउट है आपके कि क्या सीए बिना बैलेंस शीट के साइन किए, खुद के साइन हुआ अपने या प्रोप्राइटर, डायरेक्टर या पार्टनर के साइन किए अपलोड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, एसडी लगा के इसको अपलोड किया जा सकता है और एसडी एक वैलिड ऑप्शन है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।